friends, thanks for taking my paid videos. Friends, these are my paid videos, so I am kindly or humble request to you, all my friends, please don't share these videos. फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा फ्यूचर में और ऑप्शंस पे वर्क क्यों कैसे करते हैं और अच्छा प्रॉफिट कैसे निकाल पा सकते हैं। ये मैं केवल अपने पेड वीडियोज है, मैं अपने केवल पेड क्लाइंट्स को ही ये स्ट्रेटजी बताता हूँ। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे बैंक निफ्टी रखा हुआ है। बैंक निफ्टी अभी चल रहा हुआ है, मई चल रहा है, मई का फ्यूचर हम ऐड करेंगे। निफ्टी का मई का फ्यूचर ऐड कर लीजिए आप फ्रेंड्स। ये अब इसमें आप क्लिक करिए फ्रेंड्स। इसमें आपको काम कैसे करना है फ्रेंड्स, क्योंकि इस बैंक निफ्टी इस समय मतलब बहुत छाया हुआ है सब जगह की। बैंक निफ्टी जब से इसका वीकली वाला आ गया एक्सपायरी, तब से तो ये बहुत ज़्यादा ही इसने धूम मचा के रखी हुई है। जिसको देखो उसी के मुंह में बैंक निफ्टी। तो मैं ये स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए लेके आऊँ फ्रेंड्स। देखिए कैसे आपको वर्क करना है इस पे। जो स्ट्रेटजी थी मेरी हमारी वही रहेगी। जब आपको सुपर टेन बाई करने को बोलेगा तो आपको बाई करना है प्लस RSI 55 के ऊपर होगा, वो आपको मैंने पहले बता रखा है। वही चीज़ इसमें भी अप्लाई करना है। अब देखिए कैसे अप्लाई करना है ये मैं आपको बता देता हूँ सर। मैं लाइव ट्रेडिंग ही आपको बात करके बताता हूँ। आज 4 तारीख है, 4 मई यहाँ पे देखिए आ जाता है, 4 मई यहाँ पे आ जाएगा, 4 मई 2018। देखिए 4 मई 2018 1:30। बहुत ही ध्यान में समझिएगा मैं जो बताना चाहता हूँ इस वीडियो पे। यहाँ पे चल रहा है 25,687, इसका राउंड फिगर मारिए पहले आप, 25,700 आया। अगर बाई करना है तो एक स्ट्राइक प्राइस छोड़ दीजिए, 25,700 से हटा दीजिए, 25,800 को आपने बाई करना है। जैसे यहाँ पे आपको बाई सिग्नल मिला, RSI भी उसके ऊपर है, आपको यहाँ पर तत्काल बाई करना है 25,686 का। इसका राउंड फिगर मारा 25,700 और 25,800 की कॉल बाई करना है। कब की बाई करना है, जो करंट एक्सपायरी चल रही हुई उसकी, जैसे आज 4 तारीख है, 10 मई की एक्सपायरी की आपको बाई करना है। तो आप डालिए यहाँ पे 25,800 की कॉल, ठीक है। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा मैं जो बता रहा हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को। 25,800 टाइम यहाँ पे देखिए 1:30, आप बाई करते 1:35 में, ठीक। लाल बनने से कोई मतलब नहीं है, आपको बाई करना है 1:35 में। फ्रेंड, जैसा कि अब आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश करता हूँ 1:35। फ्रेंड्स ये है 1:35, यहाँ पे टाइम देखिए 4 तारीख 4 मई 1:35। क्या प्राइस चल रहा है, 90 रुपये 88 रुपये 90 रुपये। मैं कहता हूँ आपने यहाँ पे बाई किया, 89 में चल रहा है, 90 में बाई कर लिया। अब आपको देखिए 90 में बाई कर रहे तो 104 तक गया, 14 रुपये का डिफरेंस। ये जो मैं आपको 100 रुपये स्ट्राइक प्राइस छुड़ा रहा हूँ, इसलिए आप लोग को मैं गैप देता हूँ बीच में, कि मतलब जैसे ही आपको बैंक निफ्टी का फ्यूचर है, जैसे ये बैंक निफ्टी का है फ्यूचर, मई चल रहा है इसलिए मई का, देखिए जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे ही आपको उसमें प्रॉफिट कैसे लेंगे अब मैं आपको ये बताता हूँ। ये जो मेन होता है फ्रेंड्स ये है, आपने यहाँ पे बाई किया, जैसे ही आप लोग, आपको चार्ट वहाँ के लिए देखना, आपको चार्ट बैंक निफ्टी का देखना, बाई वहाँ पे करिए, चार्ट देखना है आपको फ्यूचर का स्ट्रेटजी लगाने के बाद। फिर जैसे देखिए आप देख पा रहे हैं, एक के बाद ये बनी रेड कैंडल, आपने यहाँ पे बाई कर लिया था, एक कैंडल बनी, दूसरी बनी, तीसरी बनी, चौथी बनी, पाँचवीं बनी, इतना हाई तक गया फ्रेंड्स। जो इसका मिनिमम टारगेट रहेगा वो मतलब बैंक निफ्टी के लिए जो मिनिमम टारगेट है आपका वो 3 रुपये है पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 5 रुपये है, तीसरा टारगेट 8 रुपये और चौथा 10 रुपये। हाँ फ्रेंड्स, पहला 3 रुपये, फिर 5 रुपये, फिर 8 रुपये, फिर 10 रुपये पॉइंट मिलेंगे। अगर 10 रुपये मिल गया, 40 रुपये की लॉट है, 400 रुपये मिलेगा, एक लॉट पे मिलेगा 400 रुपये, ठीक है ना फ्रेंड्स। हाँ देखिए अब जैसे यहाँ पे है, मैंने आपको पहले बताया फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा ही कम मतलब कि कम प्रॉफिट मिलेगा
ठीक है ना, लेकिन सेफली प्रॉफिट मिलेगा। मेरे पास वो वाला काम नहीं है कि मैं तुम्हें एक दिन में रईस बनवा दूंगा और दूसरे दिन करोड़पति करोड़पति में ले जाऊँ, ये वाला काम नहीं सर। थोड़ा थोड़ा कमाएंगे लेकिन जिंदगी भर कमाएंगे, ठीक है सर। हाँ हाँ तो फ्रेंड देखिए, आपको बैंक निफ्टी पे वर्क कैसे करना था मैं ये बता रहा था आपको। अब देखिए इसमें मतलब आप जो मई चल रहा है, मई का मैंने फ्यूचर ऐड कर दिया है यहाँ पे। अब आप यहाँ पे सुपर ट्रेंड लगाइए भाई, 7-3 RSI लगा लीजिए, जिस तरह मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, RSI 55 करके इस तरह। अब यहाँ पे आपको बोला है यहाँ पे बाई करने के लिए, अब आपको यहाँ बाई करने के लिए बोला था, अब आप कौन सा बाई कर लेंगे? अब देखिए कौन सा बाई करना है, 25,685 पे यहाँ पे रेट चल रहा है। अब इसको पहले राउंड फिगर मारिए तुरंत, 25,685 मतलब 25,700, 1 पॉइंट छोड़ दीजिए तो 25,700, 25,700 को छोड़ दीजिए, 25,800 की आपको कॉल बाई करना है। अब अगर कोई 25,800 की कॉल बाई करे करंट एक्सपायरी की, तो टाइम यहाँ पे चल रहा है आपका 1:30, आप 1:35 पे बाई करना है हमको। हम बाई करेंगे 1:35 में, देखिए ये 1:35 में यहाँ पे 89 रुपये 90 रुपये की आपको ये कॉल मिलती है। देखिए उसके बाद हाई बनाया इसने, 104 रुपये का हाई बनाया, 105 रुपये का हाई बना, 15 रुपये मिला। फ्रेंड्स इसमें जो हमारा टारगेट रहेगा वो पहला टारगेट रहेगा मिनिमम 4 रुपये, 5 रुपये, कभी कभी आपको 3 रुपये भी मिलेगा तो ले लेना है। हम वहाँ पे लालच नहीं करेंगे कि हमें इतने मिले, कभी कोई मार्केट बहुत चौपी हो जाती है या मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं है तब उतना ले लेंगे, तो मिनिमम 4 रुपये 5 रुपये मिल जाएगा। दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 7 रुपये और 8 रुपये का, ठीक है फ्रेंड्स। इतने पॉइंट्स अगर फ्रेंड्स आपको यहाँ पे कहीं पे सेल के लिए बोलेगा, या फिर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सेल के लिए बोला, RSI भी इसके नीचे है, तो यहाँ पे आप सेल करते 25,600, तो 6×26 मतलब 25,500 की पुट आपको बाई करना था, ठीक है। देखिए 25,500 की पुट आप लोग लीजिए, 25,500 की पुट, एक एक छोड़ देना है, बाई करना है तो स्क्वायर ऑफ करने के बाद एक प्राइस छोड़ के, और सेल करना है स्ट्राइक प्राइस छोड़ के। यहाँ पे है तारीख, 2:02 है और 2 तारीख है, 2:15 है। चलिए कोई बात नहीं, दो तारीख 2:15, फ्रेंड्स अगर आप देख पा रहे होंगे तो 2:15, ये देखिए यहाँ पे है। अगर आप इसमें ये लगा देते तो आपको यहाँ पे भी बाइक, देखिए इसने किसने बाई भी करा दिया है, और आप यहाँ पे बाई करते 110 रुपये में, स्टॉप लॉस आप ये लगा देते 92 का या 91-90 का, 110 में बाई किया होता तो हाई बनाया है 152 का, 110 में बाई किया होता है फ्रेंड्स, हाई बना 152 का, मतलब मिनिमम 45-50% का रिटर्न, मामला रिटर्न नहीं होता, बहुत बड़ा रिटर्न होता है फ्रेंड्स, इसे कहते हैं। मतलब मैं आपको ये स्ट्रेटजी, मेरी बहुत पावरफुल स्ट्रेटजी है, बैंक निफ्टी भी मैंने आपको बताया, फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन में अप्लाई करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, पहले कुछ दिन पेपर ट्रेडिंग करिएगा, भले 1 या 2 दिन पेपर ट्रेडिंग करिए, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।